नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव डेली आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे G20 संगठन को। वर्तमान में G20 संगठन आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी टॉपिक है, क्योंकि G20 की इस वर्ष की बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है, जो G20 की 18वीं बैठक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि G20 संगठन की स्थापना कब और कैसे हुई। G20 संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि में 1990 की आर्थिक मंदी है। 1990 की आर्थिक मंदी के पश्चात विश्व में एक ऐसे आर्थिक संगठन की कमी महसूस हुई जो इस प्रकार की मंदी की परिस्थितियों से निकलने में संपूर्ण विश्व की मदद कर सके। और इसी दौरान सन 1999 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन का आउटकम G20 संगठन था। G20 संगठन की पहली बैठक जर्मनी के शहर बर्लिन में आयोजित की गई। तो आइए देखते हैं कि G20 के इस समूह में कौन कौन सी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों के समूह के नाम से भी पहचाना जाता है। ग्रुप ऑफ 20 या इसको 19+1 के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 19+1 नाम इसलिए लिया गया है कि G20 19 देशों और एक यूरोपियन संघ से मिलकर बना हुआ है। यूरोपियन संघ में यूरोप के कई प्रमुख देश सम्मिलित हैं। तो आइए मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि G20 में विश्व के कौन कौन सी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में शामिल हैं। तो आरंभ करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से G20 में कनाडा शामिल है। इसके पश्चात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका G20 में शामिल है और इसके पश्चात मैक्सिको वाला पार्ट जो है वो G20 में शामिल है। जब हम चलते हैं साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका से दो कंट्रीज G20 में शामिल हैं, जिसमें एक है ब्राजील और दूसरी अर्जेंटीना। जब हम चलते हैं यूरोप वाले रीजन में, तो यहाँ से इटली, जर्मनी, यूके और फ्रांस G20 में शामिल है। जब हम जाते हैं मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, तो यहाँ से टर्की और सऊदी अरेबिया G20 में शामिल है। जब हम जाते हैं अफ्रीका वाले रीजन में, तो अफ्रीका से साउथ अफ्रीका G20 में शामिल है। और जब हम जाते हैं एशिया वाले रीजन में, तो एशिया वाले रीजन से रूस, चीन, भारत जैसे देश G20 में शामिल हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया G20 के प्रमुख सदस्य देश हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि G20 की बैठकें अब तक कौन कौन से शहर में आयोजित की जा चुकी हैं। G20 की पहली बैठक वर्ष 2008 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई थी। G20 की 17वीं बैठक इंडोनेशिया की राजधानी बाली में आयोजित की गई और G20 की 18वीं बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जानी। G20 की आगामी बैठकें 2024 में ब्राजील और 2025 में साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये G20 संगठन कैसे काम करता है। G20 संगठन के फंक्शन को समझने के पहले हम देखते हैं कि G20 का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। G20 देशों का कोई भी स्थायी मुख्यालय अब तक स्थापित नहीं किया गया। G20 का मुख्यालय उसी देश में स्थापित माना जाता है जो देश उस वर्ष G20 की अध्यक्षता करता है, क्योंकि G20 की 18वीं बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए वर्तमान में G20 देशों का मुख्यालय भारत में स्थापित माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि G20 देश कैसे काम करते हैं। How does the G20 works? G20 की बैठकें दो ट्रैक में आयोजित की जाती हैं, जिसमें एक ट्रैक को फाइनेंशियल ट्रैक बोलते हैं और दूसरे को शेरपा ट्रैक कहा जाता है। फाइनेंशियल ट्रैक की बैठकों में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक में हर G20 देश के द्वारा अपनी ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिसे शेरपा कहा जाता है। भारत की ओर से नियुक्त किए गए प्रतिनिधि अमिताभ कांत जी हैं। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल ट्रैक की बैठकों में क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रैक की बैठकों में G20 के फाइनेंशियल एजेंडा को फिक्स किया जाता है, जबकि शेरपा ट्रैक की बैठकों में फाइनेंशियल एजेंडा को छोड़कर दूसरे एजेंडा जो G20 की चर्चा में शामिल किए जाने हैं उन्हें फिक्स किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसे एजेंडा। आइए देखते हैं कि G20 के फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक की बैठकें अब तक कहां कहां आयोजित की गई हैं। तो इन बैठकों को जानने के पहले हम G20 के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है और आप सभी को ये जानकर गर्व होगा कि जो सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है वो G20 के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। G20 का लोगो इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसमें भारतीय झंडे के प्रमुख रंगों को शामिल किया गया है। भारतीय ध्वज से केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग G20 में शामिल किया गया है, जो हमें जीवन की प्रेरणा देने वाले रंग है। इसके अलावा G20 के लोगों में एक कमल है जो पृथ्वी को धारण किए हुए, जो पृथ्वी के सामने विकास की चुनौतियों को दर्शाता है। इसके साथ ही देवनागरी लिपि में वसुधैव कुटुंबकम वाक्य लिखा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक वाक्य है, जो बताता है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारे लिए कुटुंब परिवार की तरह है। और इसके नीचे लिखा हुआ है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जो G20 का इस वर्ष का ध्येय वाक्य है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से देश G20 की इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो शामिल होने वाले देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको शामिल है। इसके अलावा चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम G20 की बैठक में शामिल होंगे। यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन संघ के दो प्रतिनिधि भी G20 की बैठकों में शामिल किए जाएंगे। इस वर्ष G20 की बैठकों में कौन कौन से देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, उनकी भी एक लिस्ट आपके सामने है। इस वर्ष G20 की बैठक में बांग्लादेश, कोमरोस, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, रवांडा, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी G20 के सम्मेलन में गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोलेशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट एजेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को G20 में आमंत्रित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि G20 की बैठकें दो ट्रैक में आयोजित की जाती हैं, ये दोनों ट्रैक समानांतर चलते हैं। एक ट्रैक को फाइनेंशियल ट्रैक, जिसमें G20 के फाइनेंशियल एजेंडा फिक्स किए जाते हैं
और दूसरा शेरपा ट्रैक, जिसमें फाइनेंशियल एजेंडा को छोड़कर अन्य एजेंडा को फिक्स किया जाता है। इनकी बैठकें लगातार भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित की जा रही हैं। पूरे G20 सम्मेलन के दौरान ऐसी 200 बैठकें भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित की जानी है। इन बैठकों की लिस्ट आपके सामने है, इसमें शेरपा ट्रैक और फाइनेंशियल ट्रैक की बैठकों को दिखाया गया। ये वो बैठकें हैं जो अब तक की जा चुकी हैं, और अगली लिस्ट में वो बैठकें हैं जो अभी आयोजित की जानी है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की प्रायोरिटीज G20 की इस बैठक में क्या क्या होंगे। तो भारत की पहली प्रायोरिटी होगी हरित विकास, जलवायु, वित्त और जीवन पर बात करना। इसके पश्चात भारत त्वरित, समावेशी और लचीले विकास के मुद्दे को G20 सम्मेलन के दौरान उठाना चाहेगा। समावेशी विकास का अर्थ होता है सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर किया जाने वाला विकास, जो जिस मुद्दे को भारत G20 के सम्मेलन में प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा SDG गोल्स, उनकी प्रगति पर भी भारत G20 के सम्मेलन में विचार करना चाहेगा। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, यानी ऐसा विकास जिसमें हम अपनी वर्तमान संसाधनों को इस प्रकार उपयोग करें कि वो संसाधन भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहें। इस मुद्दे को भारत के द्वारा G20 में उठाए जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा तेज तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल अवसंरचना के मुद्दे को भी भारत G20 सम्मेलन के दौरान उठाएगा। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान के मुद्दे को भी भारत G20 की बैठक में प्रमुखता से उठाएगा। महिलाओं के नेतृत्व में विकास भी G20 में भारत का एक प्रमुख मुद्दा होगा, जो भारत की प्रायोरिटीज में शामिल होगा। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में G20 देशों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन के मध्य एक भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध के कारण संपूर्ण यूरोप में मुद्रा स्फीति का संकट उत्पन्न हो गया है। मुद्रा स्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है। किसी व्यक्ति के पास मुद्रा होने के बाद भी वो इन वस्तुओं को खरीद नहीं सकता, अर्थात मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, और ये परिस्थिति संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, जिसके कारण मंदी की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। और वर्तमान में यही मुद्रा स्फीति संपूर्ण यूरोप और विश्व के लिए खतरा बनी हुई है। इसके अलावा मुद्रा स्फीति ने आर्थिक संकट को भी जन्म दे दिया है। वर्तमान में विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें अमेरिका, चीन और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, वो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा भू राजनीतिक मतभेद भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में आपने देखा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध, और उसके पश्चात रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भी बहुत पुरानी है। इस युद्ध को हम आरंभ मानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से, जहां पर वर्साया और नेटो पैक्ट ने जन्म लिया। वर्साया पैक्ट तो समय के साथ समाप्त हो गया, परंतु नेटो पैक्ट अभी भी जारी है, जो एक सैन्य संधि है जो रूस और उसके साथी देशों के विरुद्ध निर्मित की गई थी, जो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के विस्तार को रोकना चाहती थी। इसलिए रूस नेटो देशों के विरुद्ध है और इन सभी देशों में आपस में टकराव बढ़ता जा रहा है, जो संपूर्ण विश्व के लिए एक खतरा है। तो ये तो हो गई G20 की बात। इसके साथ ही हम आज का अपना सेशन समाप्त करते हैं।